साधना में शिथिलता क्यों? साधना में जो शिथिलता होती है, त्याग वैराग्य के लिए मन में जो उत्साह घटता है, परिश्रम घट जाता है, कारण क्या है? वर्तमान पुरुषार्थ की कमी है या इसमें प्रारब्ध का दोष है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य ही कमजोर है, पूर्व के संस्कार ही कमजोर है, जो हम साधना के लिए मेहनत नहीं कर पाते। ये तो जो भाग्यशाली लोग हैं, जिनके संस्कार मजबूत हैं, बलवान हैं, वे ही साधना में ठीक से आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन हकीकत इस प्रकार की नहीं है। कहीं भी किसी की साधना में शिथिलता आ रही है तो इसका कारण है वर्तमान का पुरुषार्थ। कल्याण के लिए जो लगन होना चाहिए, निश्चयता होनी चाहिए, उसकी कमी। यह समझना होगा कि किसी के प्रारब्ध में या किसी के भाग्य में कल्याण मोक्ष लिखा नहीं है, वर्तमान के पुरुषार्थ पर ही कल्याण निर्भर है। वर्तमान के पुरुषार्थ से ही कोई भी हो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाहरी जो चीजें हैं, धन दौलत प्रतिष्ठा आदि, सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति, इसके लिए तो कहा जा सकता है कि यह प्रारब्ध पर है, लेकिन मोक्ष, कल्याण, त्याग वैराग्य प्रारब्ध पर निर्भर नहीं है, पुरुषार्थ पर निर्भर है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने एक जगह लिखा हुआ है कि जो धन दौलत परिवार प्रसिद्धि प्रतिष्ठा प्रारब्ध पर निर्भर है, उसके लिए आदमी रात दिन पुरुषार्थ कर रहा है, और जो कल्याण पुरुषार्थ पर निर्भर है उसके लिए आदमी भाग्य को दोष दे रहा है, भाग्य के भरोसे सोया हुआ है। यदि यह मान लिया जाए कि साधना में शिथिलता आने का कारण और बंधन और मोक्ष का कारण प्रारब्ध है, भाग्य या तकदीर है, तब तो यह मानना पड़ेगा कि कोई भी मनुष्य कल्याण करने में स्वस्थ या सक्षम नहीं है। जब कभी भाग्य उदय हो जाएगा तब कभी हो पाएगा, वर्तमान में तो चाहे जो करो हो ही नहीं सकता, लेकिन बात ऐसी नहीं है। यह देखा जाता है गलत से गलत स्वभाव वाला व्यक्ति अनेक प्रकार की बुरी आदतों, दोष दुर्गुणों में लिपटा हुआ व्यक्ति भी अच्छी संगत पाकर के समझते ही होने पर सारे दोष दुर्गुण और अपने गलत स्वभाव आदतों को छोड़कर
सन्मार्ग में लग जाता है और अपना पूरा का पूरा कल्याण कर लेता है। एक कल्याण का काम, साधना त्याग वैराग्य का काम, यही तो एक ऐसा काम है जिसके लिए हर आदमी, स्त्री पुरुष, विद्वान अनपढ़, बलवान कमजोर, हर कोई सक्षम है, स्वस्थ है, स्वतंत्र है, और बाकी में सब स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी देखा यह जाता है कि कोई भी साधक जब घर छोड़ करके आता है तो उस समय उसके मन में जो लगन होती है, तत्परता रहती है, भक्ति भावना और श्रद्धा रहती है, सेवा साधना के लिए उत्साह रहता है, वैराग्य का भाव रहता है, धीरे धीरे ये सब घटते चले जाते हैं और कितनों के पूरे घट करके बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। कारण क्या है? और इसके विपरीत देखते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो घर छोड़कर जब साधु समाज में आते हैं तो उतनी लगन नहीं होती, ऐसे ही आए होते हैं घूमने के लिए, याद करने के लिए, वो श्रद्धा वो भक्ति नहीं होती, मुझे त्याग वैराग्य के मार्ग में चलना है इसके लिए उत्साह नहीं होता। लेकिन संत समाज में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, सत्संग की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कहते नहीं अब यहीं रहना, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाते हैं एकदम से। कुछ लोगों में जो भक्ति भाव, उत्साह है, प्रेम है, शुरू से आखिर तक एक जैसा, कारण क्या है इसमें? तो जो कल्याण के लिए जिसके मन में तीव्र निश्चयता है, निष्ठा है, मुझे इसी जीवन में अपने कल्याण का काम करना है, साधना करके पूरा का पूरा दुखों से बचना है, ऐसे साधक एकरस सेवा भक्ति और संयम के मार्ग में लगे रहते हैं, चाहे वो साधु वेश में हो, चाहे गैर साधु वेश में हो। साधु वेश में, साधु मार्ग में जब कोई साधक आता है तो यहाँ अपनी मर्यादा है, 4-6-8 महीना ऐसे उसे रखा जाता है, और यही नहीं हर मतपंथ संप्रदाय में ऐसा है। फिर एक ब्रह्मचारी दीक्षा होती है, अब कहीं जहाँ जैसा होता है, 1-2-4-8-10 साल बाद साधु का वेश दिया जाता है, तो चाहे साधु का वेश मिला हो चाहे न मिला हो, जिनके मन में दृढ़ निश्चय होता है कल्याण साधना के लिए, उनकी साधना ढीली नहीं पड़ती है, उनका निश्चय कमजोर नहीं पड़ता है, उत्साह उनका दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। और जिनके अंदर दृढ़ निश्चयता नहीं होती, वो उमंग नहीं है, ऐसे साधक साधु वेश मिलने के पश्चात धीरे धीरे उनकी साधना शिथिल होते चली जाती है, कमजोर पड़ते चली जाती है। क्यों? उसके पीछे कारण यह है, लगता है पहले तो उस थोड़े बहुत सेवा है, भक्ति है, श्रद्धा है, साधु का वेश मिल गया, तो साधु का वेश मिलने के पश्चात
यह समझ लिया जाता है। अब तो जो मिलना था वो मिल गया, अब बाकी क्या रह गया? जो कुछ करना था कर लिया। ऐसे भी साधु साधक मिलते हैं जो कुछ नहीं करते, न सत्संग, न ध्यान, न चिंतन, न स्वाध्याय, कुछ नहीं। और कहते क्या है, हम में कमी क्या है? यदि हम में कोई कमी होती तो हमारे गुरु हमको साधु का भेद क्यों देते? गुरु ने साधु भेद दिया है, हमारे गुरु इतने बड़े त्यागी वैरागवान हैं, विवेकवान हैं, आखिर उन्होंने हमको जांचा भाला परखा तभी तो साधु का वेद दिया। अब क्या क्या करना है? मतलब साधु का वेद मिल जाना साधना की परिपक्वता की गारंटी है। अब चाहे तो चाहे जैसा करो, मरने के बाद जब जाओगे वहां दिखाया जाएगा लंगोटी, देखो ये लंगोटी है मेरी साधना की, तो यमराज मुक्ति का फाटक का जहां मकान है ना उसका फाटक खोल देगा। इसलिए अब करना कुछ नहीं है। तो साधु वेश मिलने के पश्चात मान लिया जाता है, अब करना क्या है? जो मिलना था वो मिल गया, अब बाकी तो कुछ नहीं है। इस प्रकार की बात जहां आई वहां साधना तो शिथिल होना ही पक्का है। लेकिन जहां विवेक है वहां चाहे कोई साधु का वेश हो चाहे साधु का वेश ना हो, उसकी साधना कमजोर नहीं होती। साधु का वेश तो एक मर्यादा के लिए है, हर समाज की अपनी एक मर्यादा होती है, तो जो मर्यादा के लिए है वो साह बढ़ाने के लिए है। लेकिन साधु वेश मिल जाने पश्चात के पश्चात विवेक न होने के कारण फिर अहम भाव आने लग जाता है कि हम साधु हो गए, अब हम बड़े हो गए, अब फिर साधु का वेश मिला बस गुरुवाई करने लग गए। अब तो साधु के वेश मिले मतलब गुरु बन गए, अब गुरु बन गए तो अब करना क्या है? अब तो साधना का आवश्यकता नहीं है, सेवा की आवश्यकता। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, पता नहीं वो साधु वेश में आते ही क्यों है, क्या है। एक सज्जन थे, घर में रहते थे लेकिन पहले वन परंपरा से जुड़े थे, तो एक महंत के साथ रहते थे, अगुवाई करते थे, महंत के साथ उनके जो सहायक होते हैं। पारखी संतों की संगत मिली, कुछ पारख का विचार हुआ तो उधर छोड़ दिए, लेकिन अभी वो लेकिन उनके परंपरा में मानती से मानती करते रहे। तब हुआ कि भाई ऐसे अब गृहस्थ वेश में रहने से काम नहीं बनेगा, साधु का वेश लेना है। एक महात्मा से बात किए कि आप मुझे साधु का वेश दे दीजिए। महात्मा जानते थे उनको, ठीक है भाई अमुक दिन तुम्हारा साधु वेश हो जाएगा। उस दिन का साधु वेश हुआ, सुबह या दोपहर में साधु वेश हो गया, रात में उसने दूसरे साधु वेश दे दिया। आप तो गुरु बन गए, अब सेवा करना चाहिए ना, ये सही करना बता रहा। सुबह उनका साधु वेश हुआ, अब शाम को साधु वेश दे दिया, अब गुरु बन गए। अब साधना करने का मतलब पूछा गया क्यों, आखिर हमारे सेवा करने वाला कोई चाहे कि नहीं चाहिए, इसलिए हमने साधु वेद दिया है इनको। तो ऐसी जगह पर साधना की तो कोई बात ही नहीं है।
वहाँ तो साधु वेश लिया ही गया है पूजाने के लिए और सेवा करवाने के लिए। यह बात है साधना शिथिल होने का कारण क्या है। होता यह है कोई भी साधक किसी भी उम्र का हो जब संत समाज में आता है, संत समाज की भर्ती होती है, संतों के साथ रहने लेने लग जाता है, तो स्वाभाविक जो मोटे मोटे दोष दुर्गुण हैं वो तो छूट ही जाते हैं। मोटे मोटे दोष दुर्गुण तो छोड़ करके ही आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी यदि कुछ है तो वो भी छोटे छोटे दोष दुर्गुण छूट जाते हैं। छोटे छोटे दोष दुर्गुण, गलत आदत, ये सब छूट गए। यहाँ कुछ दिन रहे, साधु का वेश मिल गया। अब साधु का वेश मिलते ही मान बड़ाई पूजा प्रतिष्ठा मिलने लग गए। अब फिर धीरे धीरे उसमें आनंद आने लगता है, उसमें मन रस लेने लग जाता है। और जितना ही मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा आदि में रस लेते जाओगे उसमें आनंद आने लगेगा, निश्चित है उतना ही विवेक ठंडा होता जाएगा और साधना कमजोर पड़ती जाएगी। कोई भी साधु हो, किसी भी मत पंथ का साधु हो, स्वाभाविक रूप से अपने आप उसे पूजा मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, लोग भेंट बंदगी करते हैं, सम्मान देते हैं, आरती वंदना भी करते हैं, लेकिन ये सब जो है रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन भटकाव का साधन है। चाहे से लोग मान लेते हैं, अरे हमारा सौभाग्य है, लेकिन अधिक पूजा प्रतिष्ठा मिलना किसी भी साधक के लिए दुर्भाग्य की बात है। उसमें अहम मम आता है, रस आनंद, फिर तो और फिर पूजा मिलती गई, प्रतिष्ठा मिलती गई, सेवक मिलते चले गए, सेवा करने वाले, आलस्य बढ़ता गया, प्रमाद बढ़ता गया और आगे चल करके अहंकार बढ़ता है। आलस्य आया, प्रमाद आया, अहंकार आया, वहां साधना तो फिर कोई बात ही नहीं रह गई। मन इतना निश्चित है कि भक्तों द्वारा साधुओं को जो पूजा सम्मान प्रतिष्ठा आदि मिलते हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता, मना नहीं किया जाता। वो कहते साहब ये सब नहीं करेंगे तो हमारे और बच्चे सीखेंगे कैसे, हमारे संस्कार शुद्ध कैसे होंगे, हमारी ये तो हम अपने प्रसन्नता के लिए कर, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, तो अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने संस्कारों को पवित्र बनाने के लिए और अपने जो बाल बच्चे हैं उनको इधर सम्मान लगाने के लिए सब करते हैं, लेकिन हमें ये समझना है, किसी भी साधक को समझना है कि जो पूजा प्रतिष्ठा हो रही है, जो मान सम्मान मिल रहा है, ये सब मेरा नहीं है, मेरे त्याग, ये जो त्याग वैराग्य है उसका है, साधना है, साधना के लिए ही है। ऐसा सोच करके उस त्याग वैराग्य साधना को और बढ़ाने के लिए मन निश्चय कर ले तो पूजा प्रतिष्ठा में भूलने की बात नहीं आएगी, उसमें रस नहीं लिया जाएगा, और रस लेते गए अपने को बड़ा मान लिया गया, फिर तो साधना करने की बात ही नहीं है।
हमें सोचना यह है कि साधु मार्ग में जो मैं आया हूं ये पूजा सेवा सम्मान करवाने के लिए नहीं आया, मान बढ़ाए पाने के लिए नहीं आया, किंतु मैं तो आया हूं साधना करने के लिए। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, ऐसा भी मान लिया जाए और मान लिया जाए यही हकीकत है तो भूलने भटकने की नौबत नहीं आएगी। मैंने कहा था अधिक पूजा प्रतिष्ठा मिलना किसी साधक के लिए सौभाग्य की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। किसी ने कहा है, कहने वाला देखा होगा वो भी संत साधक ही रहा होगा, जब ते मान बड़ाई आई तब से किस्मत फूटी, बड़ी विपत्ति महंती आई लगन राम से छूटी। हकीकत है, सदगुरु कबीर ने कहा है कि मान बड़ाई कुकरी, ये मान बड़ाई तो कुकरी के समान है, चाहे कुत्ता ले लो चाहे सुअर ले लो। तो ये समझना होगा कि मेरा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के लिए है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना वैराग्य ही मार्ग है, यही रास्ता है। तो ऐसा हम समझ लें तो हम भूलने की बात नहीं आएगी, स्वीकार करना पड़ेगा मान सम्मान को, लेकिन अंदर से उदासीन रहने की आवश्यकता है। कोई भी साधक हो जब घर छोड़ करके आता है शुरुआत में, तो संतों के लिए गुरुजनों के लिए मन में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है। अरे होता है भाई कि कहीं भी रहना है संत समाज बीच में, जो मिलेगा खा लिया जाएगा, जहां भी रह गए सो लिया जाएगा। अब यही भाव से तो घर छोड़ करके आया जाता है, लेकिन जब यहां आया और संतों के साथ ही रहने लग गए तब होता है धीरे धीरे जैसे ये वैसे मैं, फर्क क्या है, दो दिखाई पड़ने लग जाता है, फिर धीरे 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 श्रद्धा घटने लग जाती है। पहले तो यह था भाई अरे कुछ नहीं मिलेगा तो संतों का जूठन भी मिलेगा ना, तो उसी से पेट भर लेंगे, पहले यह रहता है। और बाद में होता है तब कहते हैं यही खाने के लिए साधु हुए हैं क्या, हम साधु हैं ये चीज खाएंगे, बस हमें ऐसी चीज चाहिए, कहीं भी रहना होगा कहीं भी रह लेंगे, अरे पैताने में रह लेंगे, ऐसा रह लेंगे। और यहाँ कुछ दिन बीते तब फिर गया। एक इसी उत्तर प्रदेश की घटना है, एक व्यक्ति आया एक गुरु जी के पास, दो साथ ही दिन रहे। एक गुरु जी अब तो यही आपके चरण में रहना है तो घर छोड़ना जाना नहीं है, आप मुझे साधु वेद दे दो। गुरु जी भी साधु वेद दे दिए। अब जरा रात हुई तो उधर गुरु जी खाट लगी थी, उधर चेला ने खाट लगा ली, तो गुरु जी ने कहा अरे तुम कैसे चेले हो, गुरु जी सामने खाट पर सोते हो, जमीन सोने के साधु थोड़े हुए हैं। महत्व ही खत्म है मामला, मतलब हम अपने को उनके बराबर मानने लग जाते हैं, जैसे वो वैसे हम, फर्क क्या है, क्यों उन्हें हम बड़ा माने अपने से, क्यों उनके लिए श्रद्धा रखें, क्यों उनकी भक्ति करें, क्यों उनकी सेवा करें, क्यों उनकी आज्ञा माने,
धीरे धीरे ये बहाव आ जाता है, अधिकार की लालसा बढ़ने लग जाती है, तो साधना तो घटेगी घटेगी, त्याग वैराग्य भाव तो रहेगा नहीं। अब ऐसा भी है कि ये साधना है ये दिखाई नहीं पड़ती है, त्याग वैराग्य दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ पता तो चलता ही है व्यवहार से। तो जब पहले जब आता है कोई साधक तब साधना का भाव रहता है, अच्छी बात रहती है, समाज पर कोई अधिकार मानता नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो आया ही है ना, और धीरे धीरे रहते रहते अधिकार की भावना बढ़ने लग जाती है, मेरा ये अधिकार, और कहीं भी हो अधिकार भावना बढ़ेगी वहां विषमता तो आएगी आएगी, जो काम करना चाहिए वह काम तो होने लगेगा नहीं, और फिर धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष की भावना, जहां पर जहां अधिक मान सम्मान मिलेगा, पूजा प्रतिष्ठा मिलेगी, सुविधा मिलेगी, अनुकूलता मिलेगी, वहां धीरे धीरे मन रागवान बनता चला जाएगा, और जहां कम पूजा प्रतिष्ठा मिलेगी, कम मान सम्मान मिलेगा, वहां फिर द्वेष भाव बढ़ेगा, शिकायत बढ़ेगी, अकल नहीं है इन लोगों को कि साधु पूजा कैसे करना चाहिए, साधु सेवा कैसे करनी चाहिए, ईर्ष्या द्वेष शिकायत। मान लिया गया कि वही हमारा लक्ष्य है तो मतलब क्या होगा, धीरे धीरे जो कुछ साधना का भाव रहेगा वो भी और घटता चला जाएगा, भले साधु का वेश रहेगा लेकिन प्रपंच में मन डूबा रहेगा। साधु वेश में गुरु बनने का मोह होता है, एक तो मजबूरी होती है कि भाई किसी को दीक्षा देना, किसी को समाज ने सौंप दिया है तो हाँ दीक्षा देना जरूरी है, या गुरु ने कह दिया है भाई कि तुम जाते हो वहां कुछ लगे होता है तो वहां से हो जाता है, हाँ नहीं वहां पर कुछ लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनके मन में गुरु बनने की तीव्र लालसा होती है, कितने लोगों को, जितना अधिक चेले बनते जाएंगे उतना वैराग उतना बढ़ता चला जाएगा। मान लिया गया साधना त्याग वैराग की कसौटी चेलों की वृद्धि, तब क्या कहा जाए, कैसे कहा, अच्छे अच्छे पुराने पुराने संत, अब उन्हें संत ही तो कहा जाएगा, बहुत पुराने हैं लेकिन भेष देने के लिए इतने ललायत रहते हैं, अचेला बनाए इतने ललायत रहते हैं कि क्या। एक महात्मा थे, पुराने थे, वैरागवान भी कहना चाहिए, उनके आश्रम में उनके साथ एक सज्जन रहने लगे, और जो सज्जन रहने लगे थे वो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने उसे उस महात्मा ने उस प्रिंसिपल से कहा कि तुम अभी साधु वेश तुम अभी रहते हो आश्रम में, मुझे साधु का वेश ले लो। कहा कि देखो मैं साधु आधु का वेश नहीं लूंगा, मैं जो कुछ बनेगा सेवा करूंगा, साधना करूंगा, आप जो कहेंगे सब करूंगा, साधु का वेश नहीं लेना है। तो कहा अरे नहीं ले लो, उन्होंने मना कर दिया। तब उन्होंने दूसरे साधुओं से कहलवाया, भाई उनसे कह दो कि वो साधु का वेश ले ले हमसे, और जो खर्चा होगा ना वो खर्चा मैं करूंगा, उसे उसे खर्चा नहीं करना है। फिर कुछ दिन बाद तभी नहीं लिया वो उसने, तब कहा देखो तुम साधु वेश नहीं लोगे ना,
तो मैं भोजन करना छोड़ दूंगा और मामला गड़बड़। तो कहा साहब आप मुझे साधु वेश क्यों देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा अरे मैं समाधि बता तो सकूं कि एक प्रिंसिपल मेरा चेला है, ये बिल्कुल सही घटना बता रहे हो, मतलब गुरु बनने की इतनी तीव्र लालसा, हद है हद। चेला को कहना चाहिए गुरु जी इतने दिन हो गए रहते रहते, अब कृपा कर दो, या अनुसंत लोग कहें, मतलब साधु देना भी पड़ता है लेकिन इतना जोर दे करके। साधु तो कोई कोई देता है लेकिन दीक्षा देने के भाव ना, तो बहुत से साधु ऐसे होते हैं जिनके लिए गुरु बनाना ही मानो त्याग बैराग का प्रतीक है। गुरुदेव जी लिखते हैं साधु वेशधारियों में गुरु बनने का मोह प्रबल है, जो स्वयं गुरु की आज्ञा और उनके न्याय पर न चलकर तथा अपने मन का गुरु न बनकर अन्य मनुष्यों का गुरु बनना चाहते हैं वे गुरु न बनकर संसार के दास बन जाते हैं। योग्यता रहित गुरु बनना अपने पतन का पथ प्रशस्त करना है। सरल हृदय प्रेमियों के प्रेम में फंसकर अपने को गुरु बनने के योग्य मान लेना महाअंधकार है। पहले कहा गया या तो गुरु की आज्ञा हो या समाज ने उन्हें कह दिया हो, संतों की सम्मति हो, तो न चाहते हुए भी दीक्षा देना पड़ता है, लेकिन उसमें कहीं राग लेने की बात नहीं हो, भावना ना हो कि अमुक अमुक लोग आए और हमारा चेला बने, नहीं तो उलझन आ जाएगी। समझना ये चाहिए साधु का वेश जो मिला है ये और अधिक दृढ़ता के साथ त्याग बैराग का काम करने के लिए मिला है। अब तक जो ढिलाई होती रही वो ढिलाई को त्याग करके जो कमजोरी रही है अपने में उन कमजोरियों को त्याग करके एक दृढ़ता पूर्वक अब मुझे साधना बैराग का ही काम करना है, क्योंकि साधु वेश कफन का प्रतीक है और कफन का मतलब है मुर्दा होना, तो मुर्दा होने का मतलब अहंता ममता का त्याग, विनम्रता सरलता, यही रास्ता है। और कहीं बाहरी वैभव में भूल गए तो धीरे 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 जो कुछ बची थी साधना वो कमजोर होती चली जाती है। यदि हम ये मानते हैं कि हमें जैसा चाहिए वैसी परिस्थिति नहीं मिली, साधना हम कैसे कर पाते? जितनी जितनी चीजें चाहिए वो चीजें नहीं मिली, जैसी संगत चाहिए वैसी संगत नहीं मिली, बाहरी प्राणी पदार्थ परिस्थिति अनुकूल नहीं रहे, ये सब विघ्न करते रहे, इसलिए हम लोग हम साधना में आगे नहीं बढ़ पाए, तो भी कमजोरी अपने मन की। बाहरी प्राणी पदार्थ परिस्थिति जीवन निर्वाह में सहयोगी या विघ्न उपस्थित कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं या विघ्न उपस्थित कर, लेकिन साधना में विघ्न नहीं कर सकते। इनको बाहरी प्राणी पदार्थ को अपने साधना में विघ्न रूप मानना अपना अज्ञान है, क्योंकि साधना मुख्य रूप से मन से होती है। हम ये समझ लें कि बाहरी प्राणी पदार्थ परिस्थिति जो मिले इससे भी गड़बड़ होगा तो क्या होगा? अच्छा ही है कि प्रतिकूल है तो है, इसलिए मेरे मन में
राग नहीं बन रहा इनके लिए, मोह बनने की कोई, मोह बनने या फंसने की कोई संभावना नहीं है। यदि अपने मन में साधना के लिए भाव है तो प्रतिकूलता बैराग को बढ़ाने के लिए आग का काम करेगी। जैसे बर्तन में पानी भरकर चूल्हे में रखा गया है, पानी उबल नहीं रहा है, थोड़ी सी एक लकड़ी और लगा दी, आग तेज होने लगी, बस धीरे जल्दी पानी उबल जाएगा। ऐसे ही प्रतिकूलता आग का काम कर सकती है यदि अपने मन में साधना का भाव है तब। अब सोचे, ये कहते तो हम ये हैं, परिस्थिति विपरीत है, जो लोग हैं वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। तब सोचना यह है, जो मिला हुआ है क्या उनका सदुपयोग कर पा रहे हैं? जितना समय मिला जाता है, जितना भी समय हमारे हमें मिल रहा है, क्या उनका हम सदुपयोग कर पा रहे हैं? शिकायत तो यह है, बिहार का काम बहुत ज्यादा है, इसलिए साधना के लिए अवसर नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन जितना भी मिलता है समय, उस समय में क्या कर रहे हैं? उस समय को आलस प्रमाद में खो रहे हैं या स्वाध्याय साधना में लगा रहे हैं? देखेंगे तो ये पता चलेगा कि जो मिला हुआ है उतना ही पर्याप्त है हमारे लिए, यदि हम साधना में लगना चाहें तब उन्हीं का सदुपयोग कर लें, कमी नहीं आएगी। कमी अपनी होती है, मन आलस्य करता है, सुविधा चाहता है, और दोष बाहर के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को देते हैं। जिस परिस्थिति में आज हम हैं, जो पदार्थ हमारे सामने है, जो मनुष्य हमारे सामने है, इनसे कई गुना कम प्रतिकूल परिस्थिति है, पदार्थ कम है, मनुष्य अनुकूल नहीं प्रतिकूल है, वहां लोग साधना कर रहे हैं। थोड़ा सा विवेक करें तो पता चल जाएगा। तो बाहरी प्राणी पदार्थ परिस्थिति ये विघ्न नहीं है, विघ्न है हमारा अहंकार, विघ्न है सुखाध्यास की भावना, विघ्न है आलस्य और प्रमाद, आराम तलवी। और सच यह है, साधना के लिए, कल्याण के लिए जो तीव्र निश्चयता चाहिए, दृढ़ता चाहिए और लगन चाहिए, उसकी उस निश्चयता और लगन की कमी। निश्चयता लगन हो तो आदमी कहीं से भी समय निकाल लेगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। शिथिलता का कारण पुरुषार्थ की कमी और मानसिक दुर्बलता, और इस दुर्बलता को हम मिटा सकते हैं, मिटाने का काम करते नहीं हैं। कल्याण साधना और कल्याण प्राप्त करने में स्त्री पुरुष नपुंसक सभी स्वतंत्र हैं। काम क्रोध लोभ मोह भय अभिमान ईर्ष्या राग द्वेष आदि मानसिक विकारों का त्याग, वास्तविक त्याग यही है। बाहर की वस्तुओं का त्याग एक सीमा में करना पड़ता है, लेकिन मुख्य त्याग मानसिक विकारों का त्याग, और इसमें कोई रोड़ा है ही नहीं, इसमें कौन रोड़ा डालेगा?
हमें अपने मन के दोषों का, विकारों का त्याग करना है, तो इसमें कोई रोड़ा कैसे बनेगा? न परिस्थिति रोड़ा बन सकती है, न प्राणी मनुष्य रोड़े बन सकते हैं। कमी निश्चयता की, समझ की, उस समझ को सत्संग और स्वाध्याय द्वारा दूर किया जा सकता है। समझ से ही करना है, समझ तो हर आदमी के पास है, कम ज्यादा, और जितनी समझ है ना उतना पर्याप्त है। जिसके पास जितनी समझ है उतना पर्याप्त है कल्याण के लिए। बिहार के काम के लिए तो भाई जिनकी समझ बहुत तेज है वो ज्यादा अच्छा करेगा, जिनकी समझ कम है, जिनकी बुद्धि कम है, वो कम विकास कर पाएगा, कम ढंग से कर पाएगा। लेकिन कल्याण के लिए चाहे कम समझ हो, चाहे जितनी, चाहे अधिक समझ हो, कर सकता है। हाँ, अब उस समझ को बरकरार रखने के लिए दो माध्यम है, स्वाध्याय और सत्संग। जितना सत्संग के प्रति रुचि होगी और ग्रंथों का अध्ययन करते रहेंगे, समझ में जो आवरण आता है वो आवरण दूर होता रहेगा, समझ परिपक्व होती जाएगी, तेज होती जाएगी और बढ़ती भी चली जाएगी। अब स्वाध्याय सत्संग के लिए ही प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो जो कुछ समझ है ना वो समझ भी ढीली पड़ती चली जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी, एक आवरण आ जाएगा। और समझ में आवरण आया तो साधना में आवरण तो आना ही आना, शिथिलता तो होने ही होने। तो अपनी समझ की कमी है साधना में शिथिलता का कारण, और सत्संग स्वाध्याय द्वारा उस समझ को ठीक कर लें, बस सब काम बन जाएगा। और निश्चय है स्वाध्याय और सत्संग के लिए जिसके जिसके भी मन में, चाहे वो नया साधक हो चाहे पुराना साधक हो, कौन कितने दिन से आया है इसका मतलब नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है कि है या कम पढ़ा लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सत्संग और स्वाध्याय इन दोनों के लिए जिसके मन में प्रेम घटा उसकी साधना कमजोर होना है, कोई रोक नहीं पाएगा उसको, उसे वो साधना आगे बढ़ ही नहीं सकता। माना तो रहेगा, हम रहेगा कि हम इतने के पुराने साधु हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन साधना में तो नहीं बढ़ पाएगा आगे। वो बाहरी अधिकार जमा लेगा, प्रवचन देना सीख जाएगा, गुरु भी बन जाएगा, लेकिन साधक नहीं बन पाएगा। साधना के लिए सेवा भी तो चाहिए ही, विनम्रता। स्वाध्याय और सत्संग के बल पर ही साधना टिकी रह सकती है, और स्वाध्याय और सत्संग का आधार गया तो साधना गई। इसलिए स्वाध्याय और सत्संग के लिए प्रेम न घटने पाए, यही तो मूल आधार है। तो गुरुदेव जी लिखते हैं अंत में, साधना में यदि शिथिलता आ रही है तो साधक को समझ लेना चाहिए कि इसमें प्रारब्ध का कोई दोष नहीं है, केवल हमारी नासमझी एवं पुरुषार्थ की कमी ही दोष है। सत्संग विवेक से इसे मिटाकर अभी का अभी हम पूर्ण उन्नति कर सकते हैं। साध्य की प्राप्ति में विलंब होने का कारण हमारा अपना अज्ञान। साध्य क्या है?
आत्मशांत वो साधना का परिणाम वही है। साधना तो माध्यम है, हम साधक त्याग वैराग्य सेवा संयम भक्ति सत्संग स्वाध्याय ये सब साधन है, और साध्य कल्याण मोक्ष प्राप्त दुखों की निवृत्ति आत्मसंतोष आत्मतृप्त ये साध्य। और साध्य की प्राप्ति में विलंब हो रहा है तो मुख्य कारण क्या है? अज्ञान। क्योंकि हमारा साध्य हमसे अलग नहीं है, हमारा मोक्ष हमारा कल्याण हमसे अलग है नहीं, हमारा जो प्राप्तव्य है आत्मस्थिति स्वरूप स्थिति हमसे अलग है नहीं, वो तो हमारा अपना अस्तित्व ही है, केवल अज्ञान का पर्दा है और उसे अज्ञान को दूर कर देना है। देश काल की दूरी नहीं है हमारे साध्य, दूरी यदि है तो अज्ञान का दूरी ना ही दूरी आशा हो। सदगुरु कबीर कहते हैं ना, जिस राम को जिस परमात्मा हो मुझ खुद रहे वो दूर नहीं है दूरी आशा, जो बाहर से कुछ पाने की आशा लगी है इस आशा के कारण से वो दूर जैसा लगता है, आशा ने दूर कर दिया है। इसलिए अज्ञान का आवरण हटाया बस साध्य मिला मिला यही है। इसलिए प्रारब्ध पर दोष न देकर वर्तमान की समझ को ठीक करना है और समझ ठीक करके एकरस उत्साह प्रेम लगन के साथ पुरुषार्थ में साधना में डट जाना है, निश्चित ही साधना पूरी होगी और जो हम चाहते हैं आत्मकल्याण आत्मशांति उसकी उपलब्धि हो जाएगी।